Three, two, one.

में ना एक फॉरेनर था गोरा था कोई हाँ। और वो सोया रात को और सुबह उठा ही नहीं हम एक जगह आती है दोलमला पास और वो नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड या वन हंड्रेड फीट है प्लस है अभी मैं आपको एंड में नंबर्स बताऊंगा कि हमने कितने शुरू किए और कितने खत्म हुए तो आप भी समझोगे इंटेंसिटी उसकी सर्च में भी ये बोला था कि और कोई इलाज नहीं हो सकता अभी जितनी दवाइयां मैंने खिलानी थी खिलाई दी।, खिला दी लेकिन बॉडी रिकवर नहीं कर रही है आप इनको नीचे भेजो वो एक ऐसा मोमेंट था एकदम फिल्मी स्टाइल में मैंने उसको कॉलर पकड़ा था क्योंकि रिलीजन जो होना चाहिए था ना वो आज के टाइम पर बहुत करप्ट हो चुका है और हम बहुत ही मिस से हैं राइट ज्ञान देने वाले इतने ज्यादा हो गए हैं कि ज्ञान ही कम हो गया मतलब कौन खड़ा है तेरे सामने है। और तुम अपने आप को मानते हो कि मैंने ये कर लिया तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं भाई ये ये है कोई एक बॉडी पार्ट नहीं रहता हाथ नहीं है या पैर है। नहीं है मैं किसी से सिंपथी एक्सपेक्ट करूंगा या मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा भाई मैं भी नॉर्मली हूं तुम्हारी तरह वो विल पावर मेरी टेस्ट हुई और है। करना है और है। वो मेरा खुद से मिलने वाला टाइम था वेन आई मेट माई सेल्फ कि मैं क्या हूँ और मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पर और लाइक यू केरी मोमेंट तो बोलूँगा हाँ मेरे में को आत्माएं दिखी फिर उन्होंने बोला फिर वहां पर शिव जी <laughs> आ गए अपना त्रिशूल लेके और उन्होंने मार के भगा दिया उनको इस पे बोल रहे हैं कई पॉडकास्ट में मैंने भी सुना है कि कोई बिजली चमकती है वहां पर कुछ यू you नो know, बादल गरजते हैं एक लाइट दिखाई हाँ, देती है हाँ, कैलाश एक ये हवाला कहते हैं है ये हमारे पिताजी कहते हैं एक छोटी सी बात बोलूँगा की हमारे देश में हवाला आज से नहीं आदिकाल से आप अब हम पूछे कैसे कहते सुना है ना अच्छा वैष्णो देवी जा रहे हो ये मेरे सौ रूपए हाँ। चढ़ा देना ये मेरे पचास चढ़ा देना ये क्या है हाँ। हवाला हाँ। हाँ ही तो है राएट, राएट, कि आप राएट, राएट, नहीं जा रहे इधर से पैसे लो उधर से आशीर्वाद हाँ, लो ले लो राइट लेट जी ध्यान रखना दूर से ही कृपा बनाए रखना पास मत बुलाना इतना तक बोल दिया गया था कि अगर किसी ने उसके पानी को छुआ तो ड्राइवर आपको गाड़ी में नहीं बैठाएंगे जो लोकल तिब्बती ड्राइवर थे अच्छा हाँ इस वो कर्स्ट माना जाता है सो so, दोस्तों वेलकम टू फेल्कूनाइटेज इंडिया और आज मेरे साथ आए हैं सुमन जी और सुमन जी को हमने पता नहीं कब मिले थे आखिरी बार और अभी जल्दी ही मुलाकात हुई और पता चला ग्यारह साल पहले कैलाश मानसरोवर होकर आए थे ये ग्यारह साल पहले समझ रहे हो आप सो मेरे को लगा इससे अच्छा टॉपिक क्या हो सकता है आप लोगों को कि कैलाश मानसरोवर हम सबके दिल में है और वैसे मैं आदि कैलाश होकर आया था आपको पता ही है मेरी राइट पर स्टिल कैलाश मानसरोवर इज़ कैलाश मानसरोवर सो so, थैंक यू सुमन भाई जुड़ने के लिए थैंक यू एंड इस टॉपिक पे हम बड़ी डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों कैलाश मानसरोवर के ऊपर एंड सब कुछ बताएंगे छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी एंड कांट वेट टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट सो सुमन भाई चालू करते हैं सबसे पहले आप थोड़ा सा बताओ सुमन भाई कहाँ से ये सब कीड़ा चालू हुआ आपको घूमने का मेरे को भी पता है आपको पहाड़ों का है आपके अंदर बचपन में ही था घूमने का शौक हो गया था और तब यह था कि कोई साधन नहीं हुआ कर रहा तो बसों में या जैसे भी मौका मिला ट्रेन में दोस्तों के साथ बन गया या घर वालों के साथ होता था प्लान लेकिन पहाड़ों ने शुरू से अट्रैक्ट किया मुझे घर वालों के साथ तो वैष्णो देवी तक की यात्रा होती है वही करी हमने कई बार ट्रेन में गए तो फिर धीरे धीरे समझ में आया कि यार ये है जगह घूमने के लिए और वो एक अपने आप से चीज अट्रैक्ट करती है ना आपको वो होता है कि अच्छा हाँ यार वहां जाके अच्छा लगता है तो इसलिए फिर उधर ही जाता था गया मैं बीचेस पे भी हूँ या समंदर भी देखे लेकिन वो एक मतलब पहाड़ों में एक अलग ही नशा है वो वो नशा जो करते हैं वो जानते हैं <laughs> तो। नशा समझ लो वो नशा नहीं वो वाला नशा जहाँ पे आप में होते हो राइट <laughs> right. और जहां तक मेरे को पता है आपका भी कीड़ा शायद बाइक से स्टार्ट हुआ था <laughs> हाँ मेरा दो एक मेरे पास हीरो होंडा एम्बिशन बाइक थी मेरे पास और सबसे पहले जो सो कॉल्ड राइड थी वो मेरे बाइक से ही मैं गया था और वो यहाँ से ऋषिकेश तक था अच्छा, और घर से लड़के ही निकला था <laughs> कि नहीं तूने नहीं जाना बाइक <laughs> लेके और रास्ते खराब है और उस टाइम पर सड़केंगे exactly. किलोमीटर करने में लोग मतलब आजकल जो लोग अब जाते हैं मतलब इतने घंटे सात सात आठ आठ घंटे लग जाते थे ऋषिकेश तक पहुंच राइट 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 तो उस टाइम का चीज अलग थी लेकिन फिर भी मैं और एक मेरा दोस्त हम निकल गए थे रातों रात और सुबह सुबह वहां पहुंचे और पहुंच के फिर फोन किया था तो पिताजी से बात हुई तो हाँ बेटे हो तो मैंने मैंने कहा आपको क्या लगता है कहाँ होंगे <laughs> तो बोले पहुंच गए मैंने मैंने कहा कहा जी गए गए तो कैसे हो आपको क्या लगता कैसे गए <laughs> so हुआ दो हजार दस में लद्दाख अच्छा वो बस यार वो देखो लद्दाख जब आप पहुंचते हैं ये वाला जो टेरेन है आपका हिमाचल की पहाड़ियां हैं कश्मीर हाँ। की पहाड़ियां अगर आप देखते हो तो वो एक अलग नजारा है हाँ। लेकिन फिर जब वहां तक पहुंच जाते हो फिर होता ना यार इसके आगे और क्या है हाँ। तो फिर वो आगे जाने वाला हुआ तो फिर जब लद्दाख हो गया तो फिर उसके आगे, फिर पता चला, आगे भी तब सरकारी आती थी, वो एक पर्चा था उसका सामने रख दिया कि ये तेरे काम की चीज है नॉट हाँ। सेम की देखिये कैलाश मानसरोवर की यात्रा है या कैलाश हाँ। पर्वत की यात्रा है बट ही जैसे तेरे काम का कुछ है ये तो मैंने देखा और मैं एकदम से हुआ मैंने कहा यार ये तो चीज करनी बनती है ये तो मतलब अलग ही नेक्स्ट लेवल है ये तो आ, लेकिन उस साल अनफॉर्चुनेटली मेरे को कोई भी समझाने वाला या गाइड करने वाला नहीं मिला हाँ। क्योंकि उस टाइम पर मतलब वहां जाने के लिए आपकी एक्सट्रीम कंडीशन है तो हेल्थ वैसी होनी चाहिए मेडिकल चेकअप्स होते हैं ये तो, तो सब, सब कुछ पता ही नहीं होता था उस टाइम पे हाँ, मतलब तो ये प्रोसीजर पर तो वो, वो एक साल में पूरा सिर्फ रिसर्च करता रह गया कि कोई मेरे को ऐसा मिल जाए जो मेरे को बता सके कि भाई मैं जा सकता हूँ नहीं जा सकता और अगर जाना है तो क्या क्या करना है तो आ, मेरे को कोई नहीं मिला जो कि पहले कभी हो, क्या आया हो वो ही देखेंगे पता करना पड़ेगा, कैसे, होता, कैसे नहीं होता हम ही हम, इसकी बुक बनाएंगे <laughs> है, वो क्या कहते हैं इसकी वो, और वो क्या होता था कुंजी हाँ कुंजी <laughs> तो वही था कि फिर भाई जब नहीं मिलता तो फिर आपको खुद ही करना पड़ता और खुद ही करके देखो तो वही मैंने किया वहां पर सो so, दोस्तों 2010 में चालू हो गया था इनका लद्दाख का सिलसिला और वहीं से इन्होंने पहाड़ियाँ ली थी कैल कैलाश मानसरोवर की मैं सिर्फ आदि कैलाश ही देख पाया पर एनीवे anyway, वे शायद इस पॉडकास्ट के बाद हम और आप इंस्पायर हो जाएं कैलाश मानसरोवर करने के लिए सो so, अब मेरा जो क्वेश्चन है अगर मैं इस ट्रिप से ही बात करूँ आपकी रिलेटेड कैलाश मानसरोवर से कि वाई मतलब एक्चुअल में क्या वो एक चीज़ थी जिसको आपको लगता है उस टाइम पर शायद अब उसका मीनिंग बदल गया हो पर उस टाइम पे आपको जैसे भी आपने बताया कि उसके पार उसके पार वहाँ एक जाना है पर क्या सिर्फ यही था कि बस बस जाना है कहीं भी जाओ ये शायद यहाँ चले जाए मतलब या कैलाश मानसरोवर की एक इम्पोर्टेंस थी उस टाइम पे आपके ये सवाल जो मेरे से आज आप पूछ रहे हो हाँ? यही सवाल मैंने तब अपने आप से किया था कि वहाँ क्यों अच्छा क्योंकि मैं रिलीजियस आदमी नहीं हूँ मंदिर पूजा आ, इन सब चीजों से मैं दूर आ, से ही बस थैंक यू कर देता हूँ डायरेक्ट कनेक्शन वाला जो होता है बहुत से लोगों का वैसे ही है शेम, 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 लेकिन वहां नहीं जाना कि ऐसे ही करना आ, है रिचुअल्स करने हैं उन सब में मेरा कभी भी बचपन से नहीं रहा और घर पे मतलब आ, मार पिटाई भी इसी चक्कर में पड़ी है कि नालायक हो ये तो कर लो आज का दिन है इतना बड़ा तो इस तरीके से रहा है वो शुरू से बट इनफैक्ट जब ये हो गया और मैं बड़ा एक्साइटेड था उस टाइम तक मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि यार कोई नई जगह देखने को मिलेगी और अलग ही कंडीशन है जिसको यू नो you know, आज तक माना जाता है और अनएक्सप्लोर्ड है बहुत आ, सारे लोग नहीं गए आ, वो मेरे को खुद को कि जब एक साल मुझे ही कोई नहीं मिला कि आ, भाई कोई हो क्या हो तो मुझे बताओ आ, तो मेरी वो और ज्यादा बढ़ गई कि नहीं यार अब तो जाना ही है आ, जाके देख के आना ही है कि ऐसा क्या है वहां पर तो आ, उसके बाद ये हुआ कि रीजन मेरे पास कुछ नहीं था इसके अलावा कि वहां जाना कि, है कि, कि लोग गए नहीं और कोई गया नहीं तो मेरे को तो जाके देख कर आना है कि क्या है वहां पे टाइप सॉर्ट ऑफ एक क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी थी बस कह लो नई जगह थी वो देखनी है या फिर करना है ये कुछ जुनून कहलो, कुछ जुनून कह लो ऐसा था हाँ। या फिर जो मानते हैं रिलीजियसली वो बोले बुलावा था हाँ। बोला आज तो, ये कह सकते हो कुछ लोग बोलेगे भाई तेरा बुलावा आया था हाँ ये आपको खुद को फिगर आउट करनी होती है इस चीज को मैं मानता हूँ खासतौर से और खासतौर से जो थोड़े से हम जैसे हमने बोला ना कि उस टाइप के रिलीजियस नहीं है रिलीजियस है एक्चुअल में एक अपने टाइप के रिलीजियस yes. हैं तो अगर हम ऐसी कोई चीजें करते हैं जो थोड़ी सी रिलीजियस हैं तो हमें लगता है कि शायद हमसे करवाई गई है सॉर्ट sort ऑफ of, एक ऐसे बंदे yes. से so, तो हम जरिया बन गए शायद राइट तो वही रहा तो so, ये आ, एक स्टार्टिंग पॉइंट था आई थिंक 11 साल पहले और मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं सो so, पिछली बार मैं डिजिटल था फोन पे लिखे थे इधर मैंने वापस अपने देसी कागज पे आ गया मैंने अभी लास्ट पॉडकास्ट इस, इस हाँ, 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 तो दोस्त था पुराना बॉम्बे का विनोद हाँ, और वो स्पिरिचुअल और इन सब चीजों में काफी वो है हाँ, तो मैं उसके पास गया और लास्ट डे था मेरा जब मैं छुट्टी पे लेके आ रहा और मेरी डेस्क नीचे हुआ करती थी ग्राउंड फ्लोर पे तो मैं उससे पूरा डिस्कस किया मैंने कहा भाई कल से मैं छुट्टी पे हूं अब पंद्रह दिन ऑफिस नहीं आऊंगा मैं वहां जा रहा हूं तो उसने बोला ठीक है ओके बाय बाय करके मैं निकला हूं मैंने दरवाजा खोला और मैं अभी दरवाजे से आधा बाहर आधा अंदर हूं और मेरे को बोलता सुमंत यू नो वॉट लाइक वॉट इट्स योर कर्मा हु इज टेकिंग यू देर एंड आई जस्ट स्माइल्ड एंड आई लेफ्ट क्योंकि वो मुझे बात उसकी वहां समझ में नहीं आई लेकिन वो बात लग गई कहीं अंदर बैठ गई और वो पूरा रास्ता सीढ़ियों से लेके जब तक मैं अपनी कुर्सी पर आके बैठा हूँ तब तक मैंने यार बात तो इसने कुछ कही है ढंग की क्योंकि हाँ। जितना पैसा खर्च करके और जितना टाइम खर्च करके मैं यहाँ जा रहा हूं हाँ। और मैं तो नास्तिक आदमी मतलब मैं तो नहीं मानता हाँ, ये मंदिर -वंदिर हाँ, और हाँ। ये सब की, मतलब लोग जा रहे हैं वहां पर वो कैलाश मानसर ओवर है हमें वहां जाके मोक्ष मिलेगा वहां में शिव जी के दर्शन होंगे या हरेक का अपना अपना जो भी हो रहा है लेकिन मेरा यह था यार इतना पैसा खर्च करके मेरे जैसा आदमी मतलब क्या छब्बीस सत्ताईस साल शायद मेरी उम्र थी तो मैं न्यूजीलैंड जा सकता था ऑस्ट्रेलिया जा, हाँ, हाँ, जा, हाँ, जा सकता था यूएस जा सकता था यूरोप जा सकता था लेकिन वहां बात हाँ, आया था, या फिर मुझे वहां जाना था हाँ, वो एक वजह थी क्योंकि मैंने नहीं डिसाइड किया था वो कि मुझे वहां जाना है हाँ सब हाँ वो सिचुएशन ऐसी बनती चली गई और जहां पे जाने के लिए ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी तब भी ये चले गए थिंक सारी चीजें सही yes, टाइमिंग्स के बारे में आप बताओ सीजन के वो मैं बता देता हूँ अगर कोई प्लान भी कर रहा है उसको जाने के लिए तो अभी तो दो और कोविड के टाइम से दो में एक्चुअली इंडियंस के लिए बंद कर दी गई थी अच्छा मैंने जो रूट लिया था वो चाइना वाला रूट था नेपाल बॉर्डर से जब नेपाल से आप तिब्बत में एंटर करते हो जो कि अब टेरिटरी हाँ। में आता है हाँ। और वो सारी फॉर्मेलिटीज और परमिशन वगैरह वो गवर्नमेंट ही आपको देती है ओके तो मैंने यहाँ दिल्ली में एक ट्रैवल एजेंट से बात करी थी अपना आपके परमिट के ऊपर अभी आप इस पर रहते हैं वरना मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा की आप कौन से मंथ में गए तो ये बेसिकली सिर्फ तीन महीने के लिए खुलती है अच्छा क्योंकि उसके अलावा एक्सेसिबल ही नहीं है वो ओके okay. वो है जून जुलाई और अगस्त जून जुलाई अगस्त हाँ। अब शायद क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग या इस वजह से हो सकता है एक महीना और बढ़ गया हो हाँ। बट अभी भी ये सिर्फ तीन महीने के लिए ही एक्सेसिबल है वो पूरा एरिया okay. तो वहां पर क्योंकि पैदल ही है एक जरिया उस वहाँ पर जो नीचे बेस कैंप वगैरह भी लगे हुए हैं वहां तक जाने का नहीं तो बर्फ में ढका रहता है वो सो तीन महीने है आप जाने का एंड uh, अब जो अगला मेरा पॉइंट है जो आप शायद बताना चाह रहे थे कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और परमिशंस के बारे में उस टाइम पर हमें एक तो उस पर कोई ठप्पा या वीजा नहीं लगेगा वो जत्था वीजा एक बोलते हैं उसको जो स्टेपल होता है या पर्चा वीजा हाँ स्टेपल। तो उसमें दस लोगों का परमिट बेसिकली एक तरीके का होता है सबके पासपोर्ट जब हम नेपाल से नेपाल तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है ट्रैवल एजेंट सारा बुकिंग वगैरह सब कुछ कराया होता है वन टाइम पेड होता है कि आपने पेमेंट कर दी और आपका पूरा ट्रिप पेड हो गया उसमें खाना वगैरह भी इंक्लूडेड रहता है तो क्योंकि अच्छा खासा माउंट है इसमें लगता है तो नेपाल में तो आपको बहुत अच्छे होटल्स में ठहराते हूँ वहां पर तो आदमी खुश हो जाता है कि अरे वाह बड़ा सही ट्रीटमेंट मिल रहा है फाइव स्टार सेवन स्टार में आप रुके हुए हो तो हमें भी वैसा ही किया गया था लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो तो वहां पर कंडीशन जो है वो एकदम खराब होती जाती हाँ। है क्योंकि वहां पर आपको फिर झोपड़ियों में तक आ जाते हो हाँ, ही 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 क्योंकि <laughs> वो जगह ही इतनी एक्सट्रीम है कि वहां पर आप आप हाँ। बेसिक बेसिक इसको बेसिक ही माने लग्जरी हाँ। तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज हाई ऑल्टीट्यूड और वहां पर चीजों को प्रोवाइड कराना बड़ा मुश्किल है सो मच सो की हमारे साथ एक जो ट्रक चल रहा था जिसमें हमारा लगेज सारा और खाने का सामान मतलब गैस सिलेंडर और राशन तक हमारा साथ गया था और वो वहां पर कुक कर रहे थे वी वर नॉट लाइक हमें क्योंकि वहां से कुछ नहीं मिलना था राइट वहाँ का होटल से टाइप हो या ढाबे से किसी तो से टाइप हो वो सब चीजें नहीं थी वो खुद ही जहाँ सेटअप होता था हमारा रात को रुकने का वहीं पर ही वो अपना लगाते थे बनाते थे और फिर खिलाते तो थे तो कितने लोग थे आपके जत्थे में ये पूरा जो हमारा ग्रुप था आ, मैं यहाँ से इंडिविजुअल था तो मैं जब नेपाल पहुंचा हूं तो आई गॉट टू नो दैट वी आर सिक्सटी फाइव पीपल गोइंग फॉर okay, तो 65 का, का था। था पूरा 65 का हमारा था, और जाने से एक दिन पहले हमारा हमें थे और फिर पूछा था कि इस में अगर कोई डॉक्टर है तो प्लीज हाथ उठाएं तो दो डॉक्टर थे एक लेडी डॉक्टर थी और एक डॉक्टर राव थे वाइजैक के उनके साथ मेरी अच्छी हो गई थी तो वो अपनी सिस्टर को और अपनी वाइफ को लेके आए थे वहां तो परमिशन के लिए पहले ही अप्लाई करना पड़ता है परमिशन के लिए एक्चुअली वो सारा आप डायरेक्टली नहीं कर सकते है और क्योंकि उनके टाइप फिर टिब्बे या चाइना में है हाँ। तो और ये हर साल होती ही है यात्रा और इसकी रिलीजियस वैल्यू है हाँ। आपका सिर्फ वो पर्चा है वो जो फ्रेंडशिप ब्रिज जो बीच में बना हुआ नेपाल और तिब्बत के बीच में एक नदी के ऊपर ब्रिज है उसमें आधे में नेपाली पुलिस खड़ी है उधर हाँ। चाइनीज पुलिस है हाँ। वो सिर्फ आपका फोटो देखते हैं पासपोर्ट पे हाँ। आपका नाम लिखा हो और पासपोर्ट आईडी वगैरह मैच कराते हैं हाँ। और फिर देन दे लेट यू गो तो वो आपको पैदल पार करना होता है ओके तो कहीं मतलब स्टैंप नहीं है क्या आप... कोई स्टैंप नहीं है हाँ। कोई ऐसा रिकॉर्ड कोई पूछे तो तो एजेंट्स के थ्रू ही आपको तो दोस्तों अगर आप कैलाश मानसर रोड की बात जा रहे हो एक तो आई थिंक एक वो सरकारी होता है एक वो जो काफी पहले होता था फिर वहां पर लैंडस्लाइड वगैरह हुई थी ट्रैक था वो काफी और फिर उसमें काफी ट्रेजेडीज काफी डेथ्स भी हो गई उसके बाद से वो इंडियन गवर्नमेंट ने जो उत्तराखंड से जो जाता है रास्ता वो फिर बंद कर दिया गया था तो अभी आई थिंक फिर से स्टार्ट नहीं करा जब से बन अभी जो, अभी जो जो हम बात कर रहे हैं वहां पर एक्चुअली उसमें जो नॉर्मल पब्लिक के लिए खुला हुआ है वो एक व्यू पॉइंट है आप उस पॉइंट पे खड़े होके कैलाश मानस कैलाश पर्वत को देख सकते दिख जाता है वहां से हाँ दिखता है अगर मौसम क्लियर हो अच्छा जैसा आपने देखा है पहाड़ियों उसमें आ, मतलब धूप में जो है हा, बादल आ जाते हा, हा, हैं उस उसपे लेकिन अगर वेदर क्लियर हो मतलब वही अगर हा, आप लकी हो तो आपको कैलाश पर्वत सामने दिखाई देगा क्योंकि वो पूरी वैली है वहां से जिस वैली के थ्रू पहले ट्रैक हुआ करता था उसी वैली से पैदल पैदल जाया करते थे और सामने कैलाश पर्वत आपको दर्शन होते थे उसके सो दोस्तों मतलब ये एक चीज है लिपुलेक पास से आपको कैलाश मानसरोवर दिख सकता है ये एक्साइटिंग है मतलब मैं सडनली एक्साइटेड हो गया हूँ अगर वहाँ को लिपू एक पास जाने तक की तो परमिशन शायद मिल सकती है हाँ वो मिल जाएगी थोड़े जुगाड़ करने पड़ेंगे क्योंकि अगर आपको जो परमिशन मिलती है क्योंकि मैं आधी कैलाश गया था तो आपको जो परमिशन मिलती है वो सिर्फ ओम पर्वत तक मिलती है लिपू पास तक नहीं मिलती है सो आप सिर्फ ओम पर्वत तक जा सकते हो लिपू पास तक जाने के लिए आपको और स्पेशल परमिशन चाहिए रहे, 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 जो मेरे को इस बार पता चला था क्योंकि वहां पर स्टे करने का कोई अभी ऑप्शन हाँ। शायद आपको में नहीं और फिर वापस आओगे गुंजी में ही है जो है। हाँ यही है और नेपाल जो हम बात कर रहे थे और कितने दिन ये लगते हैं पंद्रह दिन इन टोटल पंद्रह हाँ क्योंकि आप इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाते हैं। ओके okay. आते वो वो एक दिन में वापस मेरे को नेपाल ले आए थे अच्छा। <laughs> कैलाश मानसरोवर अच्छा। से। अच्छा। जो बेस कैंप है वहां पर दारचंद करके आ, जो जगह आ, वो क्योंकि

कब बारिश होगी कब तूफान आएगा या कब बर्फ पड़ेगी नहीं आइडिया वो इनफैक्ट जून जुलाई में भी मौसम इतना खराब हो जाता है मिनट्स में कि बस बादल आए और बरस रहे जी बस बरस ही जा रहा है बरस ही जा रहा है कि आगे जा पाएंगे मैं बताऊंगा अभी आगे की तो so, हम अपनी बाइक और गाड़ी से जा सकते हैं नेपाल आ, नहीं कैलाश मंसूर बेस कैंप नहीं, नहीं नहीं अभी तक तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है चाइनीज गवर्नमेंट के साथ हाँ सो so, तो। दोस्तों हमने एक ब्रेक लिया था क्योंकि हमारा ऑडियो रिकॉर्ड होना बंद हो गया था एज यूजल ये बीमारी खत्म नहीं हो रही है पर एनी anyway, हम मुद्दे पर आते हैं हम बात कर रहे थे कि अपनी बाइक से और कार से वहाँ जा सकते हैं नहीं शायद 2011 में तो जब आप गए तो शायद नहीं जा सकते थे पर अभी सुमन मैंने एक दो साल पहले देखा कि कुछ लोग हिमालयन से ग्रुप के थ्रू अपने वैसे तो नहीं जा सकते नहीं। कि मेरा मन उठाया कि चलो मैं काला कैलाश मानसरोवर जा रहा हूँ खोलो बॉर्डर खोलो <laughs> फ्रेंडशिप ब्रिज मैं देख कर आऊंगा ऐसा करे. तो आप नहीं कर सकते हो सिर्फ पर्सनली अपनी गाड़ी से और ये तो मेरे को पता है पर जब आप गए थे शायद तब मेरे को आपने देखा था कोई भी रस्ते में कोई अपनी बाइक का कोई भी नहीं था जो भी था वो हमारे ग्रुप के थ्रू ही है या इन ट्रेवल एजेंट्स के थ्रू और अभी जिसकी आप बात कर वो भी ये हो सकता है कि अब पॉसिबल हो कि आप नेपाल के कुछ ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू ऐसा कुछ एक्सपेडिशन हाँ। वो लोग कराते हों जिसमें आप अपने व्हीकल्स लेके जा सकते हो हाँ। लेकिन वो उनमें तब तक तो यही था कि सिर्फ उन्हीं के साथ ही जाना है हाँ। क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी थी ना हमारे ऊपर क्योंकि वो बॉर्डर एरिया था हाँ। तो प्लस हम... चाइना और इंडिया यार। yes, एक टाइम होता था हमारे बचपन में जब हमारा पाकिस्तान के साथ वो आंकड़ा रहता था पाकिस्तान को ना हम क्रिकेट में और ना ही अदरवाइज का कंसिडर करते सीरियसली <सछ़ियों> तो, नहीं लेते उन्हें <laughs> तो अब हमें क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया हमारा टारगेट रहता है और अब चाइना से टक्कर है हमारी या फिर यूएस से अब हमारे अब दुश्मन नहीं बोलूंगा पर हमारे वो क्या बोलते हैं कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर्स कॉम्पिटिशन है बड़े हो गए बड़े हो गए अब सो so, so, uh, पर मैं स्टिल कहूंगा अगर मेरे को ऐसा लगता है कि वॉट यू से मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि क्योंकि कैलाश मानसरोवर एक बहुत बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत है। बड़ा एक इवेंट है बहुत बड़ी एक जगह जाना है बहुत हाइट पे जाना है कॉम्प्लिकेटेड चीज है मेरे हिसाब से अपनी गाड़ी उसमें क्यों जाना है मैं मैं खुद ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको करना भी है तो आप एक बार पहले वैसे हो क्या ग्रुप के साथ जिसमें आपको सारा डूज एंड डोंट्स पता लगेंगे आपको एक्सपीरियंस होगा आपको एक हल्का सा एहसास हो जाएगा कि भाई कहाँ जा रहे हो और आप का मोटिव क्या है अगर खाली टिक लगाने जाने कि मैंने वहां तक गाड़ी चलाई है हाँ। तो बात अलग है हाँ। लेकिन वो एक जगह आपको अपने आप से मिलने का मौका देती है तो आप पहले एक बार इस तरीके से जाओ मतलब कैलाश यात्रा को हाँ, यात्रा की तरह लो इस, और फिर नेक्स्ट अपना जो भी आप एडवेंचर इस, चीज़ को मैं टोटली एग्री करूंगा क्योंकि मैं बहुत बार लद्दाख गया हूं जैसे आपको पता है दोस्तों बहुत बार मैं सिर्फ सड़क नाप नहीं चला जाता हूं इस बार भी गया था घुमाया उन्हीं जगहों पर चलाया क्योंकि मेरे लिए कोई पर्टिकुलर कोई एक चीज ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं होती एक जर्नी और लद्दाख का पूरा जो एक और वो पर जब मैं आदि कैलाश गया था जब तक मैंने आदि कैलाश वो नहीं देखा था उससे पहले मैं कह सकता था पर जैसी मैंने आदि कैलाश देखा दैट फोर्स दैट डिवाइन दैट एवरीथिंग दैट चार्ज्ड एनर्जी एंड एवरीथिंग मैं ये बोल सकता हूँ अगर मैंने वो चीज नहीं देखी होती तो मेरा ट्रिप अधूरा था लद्दाख में कितनी बार भी घूमा कुछ चीज नहीं।, नहीं देखी डजेंट मैटर मेरा कोई ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं ऐसी जगह वो कैलाश मानसूर और आप जाओ कि मैं बस रोड नापने जा रहा हूँ और कराया और मैंने उसको अच्छी तरीके से महसूस नहीं करा आई थिंक यू विल मिस कम्प्लीटली एवरी थिंग क्योंकि वो तो देखो हर जगह ही मैटर करता मेरे लिए भी वो इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे लिए डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी मैटर और ऐसी जगहों पर आपको अपने आप ही वो फील एक एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी इतनी है वहां पर उस जगह पर कि आपको एहसास होगा कि खुद ही बड़ा एक स्पिरिचुअली आप कहीं ग्रो कर रहे हो या कुछ जैसा मैं मैं कोई वो नहीं लेके गया था टारगेट नहीं था मेरा हाँ। वो वो मैं क्यों हूं सवाल का जवाब शायद मुझे कुछ सात आठ साल दस साल बाद मिलना शुरू हुआ जब उ, उ, उसकी एक्सपीरियंसिस को मेरे बिहेवियर में आने में टाइम लगा और जब मैंने फिर चीजों को उस तरीके से एक्सेप्ट करना शुरू किया और चाहे और, और बहुत सी चीज ये नहीं होती कि उस टाइम पे जब हम जाते थे जब तुम यहां गए मैं नौ में लद्दाख गया पहली बार उस टाइम पे जाए सोशल मीडिया और ऐसा कुछ होता नहीं था वीडियो देखा तो हमें कुछ पता भी नहीं होता था कि हम क्या देखने

मैं भूल गया पॉइंट कोई बात नहीं नहीं विल 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 कंटिन्यू याद आए तो विल टेक अ ब्रेक नहीं एक एक दो लाइन पहले तूने क्या बोला था वो इसी इसी पे यहाँ इस कि uh, हाँ आ, 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 आ गया फोटोज वीडियोस okay, नहीं देखते हम ओके याद आ गया आ, तो हाँ जैसे उस टाइम पर सोशल मीडिया नहीं होता था तो आई एम श्योर तुमने भी इतना ट्रैवल किया है तो तुम्हें भी ये कहीं ना कहीं वो होता होगा कि वो टाइम जब हाँ। गूगल मैप नहीं होते थे हाँ। या तो हम वो अपने पेपर मैप पुराने हाँ। जो आते थे बड़े वाले खोल के उससे रस्ते देखते थे वन या जो लोकल एक्जैक्टली exactly मेरा पॉइंट कि फिर वहाँ जाते थे तो हाँ। उन लोकल से बात करते हाँ। थे हाँ। आगे का रास्ता किधर से है पेट्रोल पंप किधर मिलेगा, हाँ। है, खाने को कि मिलेगा। और फिर वही हमें कहानियां था हाँ। नहीं, नहीं जगह की ये वैल्यू हाँ। हाँ। है वो एक अलग तरीके का एक्सप्लोरेशन होता था अब यहाँ तो हम पहले से सारी इन्फॉर्मेशन प्लान हाइटनरी इतने बजे यहाँ इतने बजे यहाँ पहुंचने लेके चल रहे तो ये वो अलग चीज भी बोलता हूँ हाँ उस जगह के बारे में जैसे डूज एंड डोंस अब आप, आप कहोगे मैं चाइना में जाके ये सब करूँगा डूज़ एंड डोंस होने

तो ये दोनों लेक साथ, साथ हैं इधर मानसरोवर लेक है और आप देखोगे क्रिस्टल क्लियर पानी है उसका मानसरोवर उसके उसमें स्नान करो आप सूर्य को अच्छा, है हाँ, हाँ, लेक में है हाँ। वहाँ पूजा होती है हवन होते हैं अच्छा हाँ यहाँ से जब जो जाते हैं हाँ। ग्रुप्स कुछ रिलीजियस ग्रुप जो कुछ आश्रम वाले आते हैं हाँ। वो हाँ। सब वहाँ पर करते हैं मैं होली के होली कह रहा हूँ सॉरी मैं राखी के दिन था तो राखी वाली जो पूर्णिमा मानी जाती है वो बड़ी ऑस्पिशियस होती है अमरनाथ की गुफा भी उस दिन लास्ट मतलब रहता है उसके बाद बंद हो जाती है वो गुफा तो आ, उस उस दिन को काफी माना जाता है तो वहाँ पर हमारे साथ ट्रैवल करने वालों में गुजरात से एक रिलीजियस ऐसे साधु थे उनका ग्रुप था उन लोगों ने वहाँ पर यज्ञ किया उन्होंने जनेऊ बदले अपने अच्छा अच्छा जनेऊ उसी दिन बदले जाते ओके, हैं ओके, तो ये सब हुआ वहाँ पर okay. मानसरोवर के साथ में बैठ के आ, और जो ताल है वो बहुत खूबसूरत है मैं बोलूँगा अच्छा आ, आप राक्षस ताल देखोगे ना तो आप कहोगे यार मानसरोवर तो कुछ भी सुंदर नहीं है अच्छा ये तो बस नॉर्मल सा लेक है।, है ये है यार खूबसूरत जगह एकदम रिफ्लेक्शन आ रही है उसमें डार्क कलर का उसका पानी है बीच में काली काली पहाड़ियां है। है। हैं मैं फोटोज है आपको भेजूंगा आप ही बोलोगे यार ये मानसरोवर तो कुछ भी नहीं है ऐसे ही लग रहा है और राक्षस ताल यार कितना अट्रैक्टिव है और वही उसका कर्स भी है अच्छा हमें इतना तक बोल दिया गया था कि अगर किसी ने उसके पानी को छुआ तो ड्राइवर आपको गाड़ी में नहीं बिठाएंगे जो लोकल तिब्बती ड्राइवर थे अच्छा हाँ, इस, वो माना जाता है तो उसको माना जाता है नॉट ओनली इन हिंदू रिलीजन इवन तिब्बतियंस भी उसको मानते हैं क्योंकि कैलाश मानसरोवर सिर्फ हिंदू ही जाके उसकी परिक्रमा नहीं करते okay. उसमें बुद्धिस्ट भी होते हैं उसमें जैनीज भी हैं उसमें कुछ आपके और साउथ ईस्ट एशियन जैसे ताइवान कोरिया जापान ये okay. लोगों को भी मतलब इसको रिलीजियस माउंटेन माना जाता है और इसकी काफी रिस्पेक्ट इस पर ट्रैक भी अलाउड नहीं है ना इस पर ट्रैक तो हम करते नहीं, हैं मतलब लेकिन हाँ चढ़ना वो हाँ। ऐसा आप क्लाइम नहीं कर सकते नहीं उस पर माउंटेन क्लाइंबिंग करके आप शिखर पे पहुंच हाँ। रहे हो वही मेरा अगला क्वेश्चन था कि इसके चारों राउंड परकेमा का भी एक ट्रैक है ना उसमें कोराज है तो जो दो कोरा है एक इनर कोरा एक आउटर कोरा कोरा मतलब लाइक कोरा वहाँ लोकल लैंग्वेज में परिक्रमा, परिक्रमा को बोला जाता है कोरा बोलते हैं okay. तो वो टर्म ही कोरा ही यूज करते हैं okay. तो जो इनर कोरा है वो भी अभी शायद बंद किया हुआ है क्योंकि वो ये था कि वो और थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल जो जितने ये आपके एक्सपेडिशन वाले जो क्लाइंबर्स होते थे ना तो उनको ये मना कर दिया कि आप ऊपर नहीं आ सकते लेकिन अगर उन्होंने बोला कि हमें एटलीस्ट कोरा तो करने दो तो उनको एक अपर लेवल पर कोरा कराते हैं जो कि मतलब पूरा माउंटेन गियर्स के साथ ही करते हैं अच्छा। हाँ तब मेरे तब थी ये इन्फॉर्मेशन अभी आई एम नॉट श्योर कि वो हाँ। होती है अब के नहीं क्योंकि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड उसमें काफी कैजुअल वो प्रोफेशनल्स के लिए होती थी वो थी। सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए होती थी वो जो हम जैसे ट्रेवलर्स जो अगर जा रहे हैं या फिर जो भक्त लोग जा रहे हाँ। हैं जो अपने रिलीजियस के लिए उनके लिए कोरा है फिफ्टी टू किलोमीटर्स का वो ट्रैकर्स किलोमीटर और कितने दिन पैदल करना होता है उसको ढाई से तीन दिन लगते हैं पूरा करने में

पर सिवियरिटी तब भी उसकी ज्यादा है अगर मैं नीचे से रास्ता हटा दूँ हाँ तो तो ये बावन किलोमीटर मुझे बिना रस्ते के करने केदारनाथ तो रास्ता बना हुआ है सीढ़ियां बनी हुई है या कहीं कहीं पर बीच पे तो बिल्कुल ही यहां आपको पत्थरों को ही पकड़ पकड़ के जाना है ओके या आप नदी के साथ साथ चल रहे हो हाँ। पगडंडी जो बनी हुई है हाँ। और फिर जहां पर पासिस आते हैं उसमें भी पास आते हैं क्योंकि हमें पहाड़ियां क्रॉस करनी है तो जो इनका एसेंट जो है बेसिकली आपका नेपाल के बाद से ही शुरू हो जाता है कोडारी आखिरी शहर है नेपाल का और उधर नायलाम है तो कोडारी जो शहर है वो आपका कुछ आता है सात हजार फीट पे साढ़े छह सात हजार मसूरी वाली हाइट

बॉडी को यूज टू करो और फिर हम इससे आगे हो क्योंकि उसके बाद आपने बढ़ना ही है आगे तो मैक्सिमम एल्टीट्यूड कितने गए आप इस पूरे ट्रैक पे जो इस पूरे जो मेन जो ट्रैक किया है कैलाश पर्वत का जो ट्रैक था वो दूसरे दिन हम एक जगह आती है दोलमला पास दोलमला पास हाँ, ला अगेन हाँ, पास हाँ, के हाँ, लिए होता है हाँ, तो दोलमला हाँ, है हाँ, वो और वो 19,200 या 100 फीट है 19,000 प्लस है ऑलमोस्ट उमलिंगला ऑलमोस्ट उम्र वो पैदल वो हाईएस्ट पॉइंट है, वो प्रेक 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 है उस, का। उसका हाँ, यस उस ट्रैक का जो कि आपको पैदल पैदल करना होता है हाँ। और हाँ। वहां तक तो फिर क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है और हाँ। मेरा खुद का ऐसे चलते हुए हो गया था मैं मतलब मेरे साथ जो चल रहा था जो हम उसमें प्रॉपर जो गाइड है हमारे वो जो लीड कर रहा था लांगपा नूरी शेरपा नाम था उसका उसने खुद टू में एवरेस्ट किया था अच्छा हाँ तो, he was himself तो भी अलग हाँ, के था, भी था, भी था, प्रोफेशनल, वाले रहते हैं है। तो वो मैं बार बार ऐसे चढ़ू तो पहला एक पास आया हाँ। और मैं ना साथ में अपने फोन पे जीपीएस ऑन करके मैंने वो कुछ सेटिंग ऐसी करी हुई थी कि मैं हाइट एल्टीट्यूड चेक करने के लिए मेरे को क्यूरियोसिटी थी कि कितना हो रहा है तो जब मैं पहला वाला गया तो वो आया कि पहला एक ऐसे चढ़ाई सी मैंने कहा ये है दोलमला पास क्योंकि वो सबसे बड़ा टेरर था हमारे उसमें उन्होंने बता रखा है भाई वो हाइट बड़ा एक्सट्रीम है अभी मैं आपको एंड में नंबर्स बताऊंगा कि हमने कितने शुरू किए और कितने खत्म हुए तो आप भी समझोगे इंटेंसिटी उसकी कि आ, पहला आया तो वो तो कुछ सोलह हज़ार दो सौ फीट तो मैंने उसको बोला ये है बोला नहीं अभी चलते रहो अच्छा फिर एक और ऐसी पहाड़ी दिखाई चढ़ाई फिर मैंने कहा यार सत्रह हज़ार तीन ये है नहीं नहीं अभी तो चलते रहो फिर मैं धीरे धीरे मेरा डाउन हो रहा था मैं बार बार पूछ रहा हूँ मना करे जा रहा है तो मैंने कहा भाई ये काम करो जस्ट वॉच योर नेक्स्ट स्टेप अगला स्टेप देखो कहां रखना है और चलते रहो अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना और ऑक्सीजन की कमी चेस्ट पे प्रेशर मुंह पे प्रेशर जो फील होता है इन पासिसूड पे हाई पे वो बहुत ज्यादा हो रहा था और मेरा दिमाग धीरे धीरे नम हो रहा था तो एक पॉइंट आ गया था जहां पर मैं ऐसे था कि यार सुमन थोड़ी देर ना यार सो लेते हैं और मतलब एक दिमाग ये बोल रहा है और है। एक दिमाग भाई तू अगर सो गया ना तो सुबह उठेगा नहीं सोता ही रह जाएगा क्योंकि तेरे दिमाग में इतनी ऑक्सीजन जा ही नहीं रही है, है कि वो है। शरीर को बता पाए कि भाई उठना है सोना नहीं है क्योंकि हमारे शाम जो फर्स्ट नाइट हमारी थी उसमें ऐसा ही हुआ था कि अगले दिन सारी रात बारिशात होती रही तूफान था काफी काफी बारिश हुई तो सुबह कुछ हलचल जब हम उठे तो देखा हलचल मची है तो जो नूरी जो हमारा गाइड था

रहे बिल्कुल हाँ। तो वहां पर हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि दैट लेडी लेडी डॉक्टर 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 आई टोल्ड यू वन वन ऑफ टू उसके हम जब पहुंचे तो हम अपनी अपनी गाड़ियों में थे तो जैसे जैसे गाड़ियां पहुंच रही थी तो उनके कमरे के बाहर भीड़ लगी भी, हुई हाँ। सागा में सो so, अब हाइट थी फोर्टीन थाउजेंड इज गुड एलिवेशन तो हम पहुंचे मैंने देखा क्या हुआ वो डॉक्टर लेडी उसको ऑक्सीजन मास्क दिया हुआ था हाँ। और आधे घंटे तक उनको होश नहीं था लेडी डॉक्टर लेडी डॉक्टर अच्छा खुद हाँ, खुद ही ही वो अपने दो बच्चों और हस्बैंड के साथ आई थी बच्चे भी थे साथ में हाँ, बच्चे भी एज एज होगी उनकी मतलब एल्डरली थी ऑफकोर्स हाँ। उनकी एज होगी कुछ तेईस चौबीस साल ऐसा तो अब क्या हुआ कि जब उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के रखा आ, और ये इंस्ट्रक्शन जो शुरू में ही हमें हॉल में बुला के बताया था ना डूज एंड डोंट्स में उन्होंने ही बोला था कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल इससे नीचे चला गया आ, तो हम कुछ नहीं सुनेंगे आपको सीधा नीचे नीचे वापस भेज देंगे तो आ, वो रिस्क नहीं लेते हैं उस आ, लेवल पर तो जब उस लेडी को थोड़ा सा होश आया एंड शी वॉज लाइक कि ये लोग कौन है ये मेरे कमरे में क्यों खड़े हैं अपने बच्चों को अपने हस्बैंड और तो फिर उनको मैं मैडम ये आप ही के फैमिली में तो फिर जब नहीं समझ में आया तो फिर उनसे फिर जो जो दूसरे डॉक्टर थे उन्होंने फिर चेक करने के लिए आपके कितने बच्चे है? बोले मेरे एक ही बच्चा है बोले नहीं मैडम आपके दो बच्चे हैं ये लड़का है ये लड़की है और ये हस्बैंड है तो मतलब वो दिमाग एकदम नहीं काम कर रहा था वहाँ पर तो ऐसा और मैंने उसके बाद भी मानसरोवर लेक पहुंचे तो वहां पर भी अ जेंटलमैन अच्छी खासी बिल्ट हेल्दी सब कुछ पूरा प्रॉपर और पूरी एक्सरसाइज भी कर रहे थे वो रनिंग वनिंग उनका हाँ। प्रॉपर था कि दस किलोमीटर डेली भागना पूरा फिट हो रहे थे इसी चीज के लिए वहां पर मैंने उनकी हालत देखी कि वो अपना पैर भी ना ऐसे करके यूँ रखना पड़ रहा था उनको क्योंकि वहाँ बॉडी क्य और दिमाग सिंक में नहीं है दोस्तों यही होता है अब हम लद्दाख के जैसे ट्रिप पे करते हैं जो माउंटेन ट्रैकिंग करते हैं जो एक्चुअल में ज़्यादा देर स्पेंड करते हैं हम तो हमेशा मैं भी बोलता हूँ आपको जब हम लद्दाख में जाते हैं बाइक से कि पास आया फटाफट फोटो खींचो और नीचे आ जाओ पर ट्रैकिंग में क्या होता है कि वो नीचे आने वाला कंसेप्ट ही नहीं होता आप उसी हाइट पर ही रहते हो बहुत देर देर तक सो दैट इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम तो अगर आप ओके okay हो बाइक राइडिंग पे यू माइट बी नॉट ओके इन ट्रैकिंग क्योंकि आप और ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको शायद ना भी रियलाइज हो

बॉम्बे के थे वो आई थिंक अगर वीडियो देख रहे हो तो उनमें एक के पास ऑक्सीमीटर था तो वहाँ रुका हुआ था वो बार बार अपना ऑक्सीमीटर लगाए चेक करे कि अरे मेरा ऑक्सीमीटर मेरे सेवेंटी सिक्स था सेवेंटी फोर हो गया फिर सेवेंटी फाइव हो गया तो मैं उसको बोल रहा मैंने कहा भाई यहाँ पे इतना ही रहता है <laughs> अब तुम इसे देख देख के परेशान हो, हो रहे हो और जो तो, तुम परेशान हो रहे हो गाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आपको एम एस हेट करे ऑक्सीजन कम हो द मोर यू टेक टेंशन द मोर यू स्ट्रेस आपकी दिमाग उतना ज़्यादा ऑक्सीजन खाता है और ये ये एक विशेष सर्कल बन जाता है आप और स्ट्रेस हो रहे हो घबरा रहे हो और ऑक्सीजन चाहिए yes. आप और घबरा रहे हो और ऑक्सीजन चाहिए इसलिए सब बोलते हैं काम तो डॉक्टर क्या हुआ? वापस भेज दिया नीचे सबको इसका भाई कोई इंजेक्शन कोई गोली कोई कुछ नहीं काम करता वापस ही भेजना पड़ता चार दोस्त आए थे हाँ? उन्होंने उसके कई साल बाद अब उनका प्रोग्राम बना की चलो साथ में चलते हैं अब वहां पर वो सिचुएशन उस बंदे के साथ भी ऐसी होगी जो मतलब पैर हिलाना पड़ रहे था मतलब क्योंकि नहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही और उनको वो सिकनेस हो गई ऑल्टीट्यूड सिकनेस हाँ। अब वहां पर यह हुआ कि इतनी एक्सट्रीम कंडीशन उनकी खराब हो गई कि पहले आर्मी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया इमरजेंसी के उसमें आ, उन्होंने चॉपर तक का इंतजाम करने की करी क्योंकि एकदम था कि अब नीचे लेके जाओ अच्छा डॉक्टर तो ने भी ये बोला था कि और कोई इलाज नहीं हो सकता अभी जितनी दवाइयां खिलानी थी खिला दी।, दी लेकिन बॉडी रिकवर नहीं कर रही है, है आप इनको नीचे भेजो और फिर मौसम खराब तो चॉपर से भी नहीं जाओ तो फिर रातों रात उनको गाड़ी से अब उनमें चार दोस्तों में बैठ के वो बातचीत हुई आई डोंट नो क्या बातचीत हुई होगी लेकिन एक ने वो डिसाइड किया और उसने बोला कि यार देख मैं

वहां तक हो नहीं तो फिर सारी जिंदगी फिर तुम वही छोटी छोटी ग्रजेस को होल्ड करके बैठे रहो और इंतजार मेरे को लगता है कि दोनों के अंदर ही आगे चल के कोई अधिकटेट नहीं होनी चाहिए जो नहीं गया और जो गया हुँ. बाद में यह ना हो कि यार उसे मैंने छोड़ दिया डिसीजन ले तो सोच समझ के लो। आई होप सो क्योंकि मानसर ओवर लेक तक तो पहुंच ही गए थे हम सब। राइट। तो और आपने इतनी बड़ी जर्नी करी है देखो कैलाश के, पर्वत का ट्रैक नहीं कर पाए थे वो भी मानसर ओवर लेक तक ही आए थे अच्छा और उसका होल सोल रीजन आने का वही था की मैं ये ट्रैक करूंगा फादर नहीं कर पाए अब देखो डेस्टिनी में क्या था कि वो भी उस टाइम पर नहीं कर पाया कोई नहीं पोता करेगा अब हो सकता

फंस गया या मतलब यू नो दैट थॉट बट यही में मेरे को एक दो बार हुआ कि यार ट्रैक की ही बात करूँ आप इससे क्योंकि बाकी जगहों पर आपको फैसिलिटी फैसिलिटीज लाइक खाना हाँ, टॉयलेट हाँ, और बिस्तर हाँ, ये मिल रहा था हाँ, लेकिन जब आप ट्रैक कर रहे हो तो नहीं है वहाँ पर कुछ भी तो अब तो ढाई दिन आप, तो आप एक्चुअल में टेंट में ही रुक रहे हो कहीं कहीं टेंट लगा देते हैं उसमें रुक जाओ yes, और yes, चलते रहो यस यस या अगर किसी ने वो कुछ गारे का एक वो कमरा सा बना लिया उसके मिट्टी गारे आ, का आ, वो उस तरीके का अगर किसी ने कच्चा सेटअप किया हुआ है तो आ, वो उसमें आपको आ, रुकने के लिए है आ, और उसमें बारिश वगैरह भी है और फिर सोचो आपको टॉयलेट वगैरह भी बाहर ही जाना है आ, खुले में आ, और इतना टेम्परेचर जो कि माइनस में है ऑलरेडी तो पानी हाथ लगाना वो बड़ा मुश्किल है धोना तो दूर की बात तो वो सारी वो स्केरी में ही आएगा क्योंकि वो ना एक्चुअली क्या है कि एक्चुअली वही सोल पर्पज है उसका क्योंकि आपका ना विल पावर टेस्ट करता है वो आपके जब रोने निकल जाते हैं ना कि यार मैं कहाँ फंस गया जो जैसा यू सेड बट मैं करने भी तो यही आया था अब मैं इस चीज को मैं ऐसे बताता हूँ कि हम लाइक आई एड सिक्सटी फाइव फोर्टी फाइव लोग ही मानसर लेक तक पहुँच पाए अच्छा मानसर लेक तक लेक तक ही पहुंच पाए उससे कर... आगे जो आए हैं वो सिर्फ लोग ही आए तक और सारे भी ग्यारह कर पाए ग्यारह अच्छा, तो ही, ही कर पाए कोई कंडीशन को कि आंधी आ रही है तूफान आ रहा है नहीं जा पाएंगे वो शायद पता नहीं एक नहीं हिम्मत आ रही होगी तो सब नहीं हुआ तो वो सब वहीं से मुड़ गए लेकिन हम कुछ थे जिन्होंने था कि भाई आए हैं यहाँ तक तो ये करने ही आए हैं मतलब वो नहीं तो उन ग्यारह में से सबसे यंग कौन था और सबसे एजेड की एज क्या थी नो जो सबसे एजेड थे वो सेवेंटी थ्री ईयर्स के थे ओ। वो हस्बैंड वाइफ थे दोनों सेवेंटी वन शायद लेडी की एज थी और यंग और में आई थिंक होगा इमेजिन दोस्तों कितना गैप है तो इट्स नॉट अबाउट एक्चुअल मी एज

तो ये इतना बड़ा इवेंट जब मेरी लाइफ में ये हुआ तो मेरे को कम से कम छः सात साल लगे धीरे धीरे उस चीज को अडेप्ट करने में और अपने बिहेवियर में लाने में जो पीस ऑफ माइंड जो एक अपने आप से जब मैं मिला जब वो विल पावर मेरी टेस्ट हुई और करना है और वो मेरा खुद से मिलने वाला टाइम था व्हेन आई मेट माई सेल्फ कि मैं क्या हूँ और मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पर और किस लिए हूं मैं यहाँ पर तो एक वहां पर मतलब ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जैसे वहां पर एक रास्ते में शीश पांगमा एक माउंटेन है एट थाउजेंड मीटर्स प्लस वो आठ हजार से ऊंची पीक्स जो है मतलब उस, ल, तो मतलब आई थिंक छः या सात ही आ, पीक्स हैं जो एट थाउजेंड प्लस में आती हैं जिसमें लाइक के भी है और नंगा पर्वत भी है तो शीशिपांगमा भी उसी में ही आता है अच्छा लोकल लैंग्वेज शीशिपांगवा मतलब फिश के शेप वाला उसका फेस जो है हैड जो है उसका फिश के फेज जैसा लगता है right. तो वो एक जगह है उसमें थोंगला करके एक पास आता है उस हाँ. उसमें आप ऐसे मतलब पास है वहाँ गाड़ी रोकी उन्होंने आप फोटोज वोटो ले लो बिकॉज यू आर ऑन दी अदर साइड ऑफ हिमालय तो हम यहाँ से देखते हैं तो हमारे लिए हिमालय हाँ. ऐसे है हाँ, मैं तो अब उस साइड था हाँ. तो अब वहाँ से देखते हो दी अदर साइड ऑफ हिमालय बैक साइड जो आपको दिख रही है और वहां पर वो एक पॉइंट ऐसा था जहाँ हम रुके और यहाँ सामने मुझे पहाड़ी और बादल हल्के कुछ दिख रहे हैं मैं धीरे धीरे ऐसे देखना शुरू कर रहा हूँ बीच में लग रहा है यार सिर्फ बादल नहीं है ये तो बर्फ भी लग रही है।, है और फिर मैं ऐसे ऐसे ऊपर देखता जा रहा हूँ जहां बादल छट गए और ऊपर तक वो ऐसे है अच्छा क्यों स्काई स्क्रैपर बिल्कुल वो मेरे सामने ऐसे है और मैं फिर वो मोमेंट था मुझे भाई तू है कौन मतलब कौन खड़ा है तेरे सामने और तुम अपने आप को मानते हो कि मैंने ये कर लिया तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भाई ये ये है तो जब इतनी कोई विशाल चीज आपके एकदम सामने आ जाए और आपको पता भी ना हो और फिर आपको वो एहसास होता है कि कि हम क्या हैं यार exactly. ये हैं तो इस तरीके के जो छोटे छोटे एक्सपीरियंस और ये लोगों की कहानियाँ सुनाने से या यू you नो know, उसको एक्साइट करने से या फिर थोड़ा सा मैं उसमें मसाला डाल दूँ उन सब चीज़ों से नहीं होगा जब तक आप ये खुद से नहीं करते आप कथा कितनी भी सुन लो लोग आजकल इस पर बोल रहे हैं कई पॉडकास्ट में मैंने भी सुना कि कोई बिजली चमकती है वहां पर कुछ यू you नो know, बादल गरजते हैं एक लाइट दिखाई हाँ, देती है हाँ, कैलाश वो हाँ, एक हाँ, अलग एनर्जी आपको हाँ, फील होगी हाँ, आपको ऐसे फील होगा हाँ, आप, ऐसे वैसे कुछ नहीं होगा जो भी होगा आपको अंदर से हो हाँ, आपको किसी के कहने पे कोई ऐसा फिल्मी चीज नहीं होने हाँ, वाली है या सुपर नेचुरल नहीं होने वाला लेकिन हाँ सिर्फ उसको अगर हमें प्रोपोगेट करना है तो हम कुछ भी बोल सकते हैं वो तो वीडियोज के लिए आजकल लोग कुछ भी कहने को तैयार हो जाते हैं आई नो आई कैन एग्री और स्पिरिचुअलिटी तो एक ऐसी चीज है ना जिसको किसी ने देखा नहीं समझा नहीं उसको लोग कुछ भी बना दो यस तो जब आपको मालूम ही नहीं है उस चीज के बारे में तो मैं कुछ भी कुछ प... मेरे को कोई क्रॉस चेक तो नहीं कर सकता कि मेरे साथ क्या हुआ क्या हाँ नहीं हुआ तो उसको मैं सेंसेशनलाइज करना चाहूं तो मैं कुछ भी बोल के कर सकता हूं लाइक यू स्केरी हूँ तो यार रात में मेरे को आत्माएं दिखी फिर उन्होंने बोला फिर वहां पर शिवजी आ गए अपना त्रिशूल लेके और उन्होंने मार के भगा दिया उनको बट दैट इज नॉट इट शुड नॉट हैपन और ये, अब यही सही प्रॉब्लम है यार सोशल मीडिया के मैं ये देख चुका हूँ लोग इतना बकवास अफवाहें व्यूज़ के लिए क्या क्या बकरे हैं यार। मतलब कुछ भी बोलने को तैयार हैं और मतलब मैं तो व्लॉगिंग जैसे आपको पता है मोटो व्लॉगिंग में भी आ, स्टोरीज बनाने के लिए नहीं। पता नहीं क्या क्या करते हैं पर एनीवे वे जो मेरे को पता है आप सब लोग जो मेरे वीडियोस देखते हो आप सब समझदार लोग हो सो आ, वो वो एक ज़रूरी पॉइंट है पर हम बाकी चीज़ों को हम रोक नहीं सकते बट हाँ मतलब जो उन्होंने अभी बात बोली कि जब आप ऐसी जगह जाते हो तो आपको पता चलता है कि आप एक्चुअल में कुछ नहीं हो आप नहीं भी हो तो किसी को फर्क नहीं पड़ता मेक योर सेल्फ यूजफुल दुनिया देखो समझो जानो लोगों से बातें करो तब आपको पता चलेगा कि आपकी दिक्कतें ही दिक्कतें नहीं है और शायद आपकी दिक्कतें इतनी बड़ी दिक्कत कोई है ही नहीं लोग पता नहीं कैसी कैसी दिक्कतों के साथ जी रहे हैं और मौत से सब चीजें कर रहे हैं लाइक पैरा ओलंपिक्स ना जब पैरोल्पिक्स देखते हैं आप उनकी विल पावर देखो देखो यार वो आप उनको थोड़ा सा सिंपथेटिकली आप बात करो तो उनको बुरा लगता है हाँ। और वो लगना भी चाहिए हाँ। आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर कल को मेरा कोई एक बॉडी पार्ट नहीं रहता हाथ नहीं है या पैर हाँ। हाँ। नहीं है नॉर्मली ट्रीट करो उस चीज को और वो होना भी चाहिए कि उसमें कोई यार कमी नहीं है उसमें ऐसा चाहिए तुम्हें तरस नहीं आना चाहिए उसके ऊपर वो अपनी जिंदगी खुद जी रहा है और उसको जीना आना चाहिए बचपन से ऐसी डालें या yes, जो भी है वो इमोशनल वैल्यूज आई जाते हैं कि अरे यार अरे यार इसको बिठा दो तू hmm. तू तू पहले कर ले यू ah, नो yes. you know, अरे yeah. कब तक लाइन में लगेगा ah. तू आ तो मतलब वो, hmm. वो बट ah, right, right. आप, ah. ah. okay. आप बोलो जो बिचारे वर्ड आप जो यूज कर रहे हो आप उसको बेचारा करके आप उसकी मदद करो या अपने आप को सुपीरियर दिखाने की दोनों में फर्क होता है तो छोटे छोटे गैम्बल हैं सो आई थिंक बेस्ट मोमेंट्स तो हमारी जो इतनी देर बात हुई सब कुछ ही बेस्ट था आई थिंक आई थिंक एवरी थिंग इज द बेस्ट और पिक्चर्स भी आपके स्क्रीन पर दोस्तों आ गई होंगी अभी मेरे को शेयर करेंगे तो आपके स्क्रीन पे आ चुकी होंगी वहाँ की सारी डिटेल पिक्चर्स बाकी जो मैं चीज़ छोटी सी मैं अपने पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो मेरे को पता है कि आप जब आप जा रहे होते हो वहाँ पे तिब्बत में जब आप घुस जाते हो और जाते होते हो तो थोड़ी स्ट्रिकनेस से आप हर जगह कहीं उतर नहीं सकते हर जगह फोटोज़ नहीं खींच सकते है, है, ऐसा कुछ है वहाँ पे ना बिल्कुल है बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस तो थी यार वहाँ पर और हमें पहले वो बात क्लियर कर दिया गया था कि आप हर जगह आप ऐसे घूमने नहीं निकल सकते कुछ कुछ एरियाज होंगे जहाँ पर वो बताएंगे कि हाँ ये एरिया आप एक्सेबल है और आप जा सकते हो घूम सकते हो और कहीं पर जैसे आर्मी बेस है आसपास तो फोटोज़ लेना हमारे लिए स्ट्रिक्ट मना ही थी कि फोटोज़ नहीं ले सकते हो और लिमिटेड एरियाज में ही जाना है और उसका ये था कि अगर वहाँ पर पुलिस ने पकड़ लिया तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है वो जो करेंगे आपके साथ वो ही जानते हैं ये तो हो गई दोस्तों हमारी पूरी एक कालाश मानसरोवर की सर की बातों से एक हमारा विजुअल एक्सपीरियंस एंड जितनी बातें अभी तक हुई हैं मैं वैसे ही मैं बहुत एक्साइटेड था इज जस्ट की जो इन्होंने 11 साल पहले फेस किया था वो मैं आज भी वो मेरे दिमाग में यार कैसे जाएंगे क्या तरीका है क्या वो मेरे अभी भी हैं पर अब ये बात करके मेरे को ऐसा लगता है कि आई थिंक प्रॉपर अप्रोच करके और इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट इज जस्ट की जो हमारे दिमाग में एक पहले से एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं पर उसको जैसे इन्होंने तो कोई ऑप्शन नहीं था पर करा हम लोग क्या अटक जाते हैं फिर हम फिर और जगह चले जाते हैं पर आई uh, थिंक आप लोगों को भी अब लग रहा होगा कि हम कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं और क्यों नहीं जा सकते यार है कि नहीं हमारे लिए भी होली है उनके लिए है तो हमारे लिए भी है जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे बट hmm. ग्यारह साल पहले आप गए थे hmm. आपका कोई कनेक्शन नहीं था कैलाश कैलाश माउंट कैलाश वॉज जस्ट अ माउंटेन फॉर यू मानसरोवर वॉज जस्ट अ लेक फॉर यू आज ग्यारह साल बाद जैसे hmm. आपने कहा कि आपको पाँच छः साल लगे उस चीज़ को अडाप्ट करने में hmm. जो आपने वहां महसूस किया फर्स्ट डू यू थिंक इट वॉज वर्थ इट इन टर्म्स ऑफ नॉट एडवेंचर इन टर्म्स ऑफ सॉर्ट ऑफ अ रिलीजियस थिंग यू हैपेंड इन यू इलेवन ईयर्स अगो आज की डेट में और आपको उसको लगता है कि हाँ हाँ या ना एंड डू यू वॉन्ट टू डू इट अगेन बट नाउ इज स्टिल एन एडवेंचर और इट विल बी अ डिफरेंट थिंग If now do it. हाँ, 13 years, क्योंकि हाँ, तो, तेरह रिलीजियस नहीं मैं बिल्कुल बोलूंगा बहुत फर्क पड़ा मैं बिल्कुल उसको दोबारा करना चाहूंगा अब शरीर और विल पावर कितना साथ देती है वही चेक करने के लिए दोबारा जाना चाहूंगा मौका लगेगा तो, तो पर इस बार भी सोच वही होगी जो तेरह साल पहले थी जाने की इस बार आई थिंक उससे बेहतर होगी किस एंगल में किस तरह तरीके से बेहतर होगी आप ये समझो कि वहाँ जब मैं पहली बार गया और वो जो छः सात साल मेरे को समझने में और वो ठहराव लाने में और अपने अंदर मेंटली और यू नो इमोशनली उन सब चीज़ों से उभरने में कि यार लाइफ ये है असल में और मैं मैं पूछ रहा हूँ कि उस टाइम पर तुम गए तुम्हें बस ये जाना था कि पहाड़ के उस तरफ जाना है एक एडवेंचर है वो आज जब जाओगे तो क्या सोच से जाओगे आज अब जो मैं उस टाइम पर जो मैं करके आया और जो बाद में समझा अब ये समझ लो कि मैं उस टाइम पर एक बार बैटरी चार्ज हुई थी अब मैं रिचार्ज करने जाऊँगा तो देर इज अ रिलीजियस एंगल इन अ वे ऑफ योर स्पिरिचुअल एंगल यस स्पिरिचुअली रिलीजियस से तब बचते क्यों वर्ड से, से? क्योंकि रिलीजन जो होना चाहिए था ना वो आज के टाइम पर बहुत करप्ट हो चुका है और हम बहुत ही मिस गाइडेड से हैं राइट right. हमें मैं एक्चुअली बोलूंगा कि ज्ञान की कमी है ज्ञान देने वाले इतने ज्यादा हो गए हैं कि ज्ञान ही कम हो गया <laughs> तो हर हर आदमी ज्ञानी है हर आदमी ज्ञान देता है लेकिन तो एक्चुअल जो ज्ञान है ना वो ही खत्म हो गया है हमारे घर वालों ने मां बाप ने जो हमें सिखाया पूजा पाठ से रिलेटेड रिलीजियो से रिलेटेड हमारी आदत और हर जनरेशन की रहती है कि वो सवाल करती है हाँ। लेकिन कई सवाल ऐसे भी हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिलते फिर हम कहीं ना कहीं रिलीजन में ये बात बोली भी जाती है हम रिलीजियस की तरफ जा रहे हैं पर इसको जल्दी खत्म करते हैं कि रिलीजन में हर चीज़ के जवाब होते भी नहीं है ऐसा बहुत से रिलीजन्स में कहा जाता है हाँ लेकिन फिर उसमें ढोंग भी नहीं होते हमें कई चीज़ें जो समझ में आती है कि भाई थाली ही चढ़ानी है हाँ। चुन्नी ही चढ़ानी है और पाँच वाली चुन्नी चढ़ाओगे तो तुम्हारी ये और पाँच वाली चढ़ाओगे तो ये और ये तो आई टोटली एग्री है और जो ये ऊपर से वी कल्चर आ गया है मंदिरों में कि भैया यहाँ पे एक बंदा दस घंटे से खड़ा हुआ है दो बच्चे hmm. गोद में इतना बड़ा पैकेट लेके दस घंटे से खड़ा हुआ है एक yes. बंदा हेलीकॉप्टर से आया <laughs> शायद बहुत से बहुत से लोग मैंने देखे hmm. हैं जो उसको एक वैलिडिटी देते हैं उनके अपने एंगल्स hmm. तो hmm. हैं कि भैया सम पीपल आर इम्पोर्टेंट फॉर देम टाइम इज इम्पोर्टेंट दे कैन अफोर्ड इट दे डिड समथिंग गुड इन लाइफ दैट्स वाई दे कैन अफोर्ड इट पीपल डिड तो लॉजिक्स हैं मैं ये कहता हूँ कि आस्था वाला लेवल अगर जिसको हम एक पोट्रे करते हैं आस्था उस बंदे की ज्यादा है जो 12 घंटे तक रगड़ता हुआ गया दस घंटे लाइन लगी और अपना जब नंबर आया तब वहां लगा उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है आस्था तो आपकी घर बैठ के भी हो सकती है राइट आप अगर विचार और वो अच्छे तो। तो आप वो तो घर बैठ के भी आप उतनी आशा रख सकते हो जो कि आप वैष्णो देवी जाके पैसा चढ़ा के खिलाफ इलाके जो भी आप वीआईपी लाइन में लग के वहां पर आप जाके माथा टेकोगे लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि जो आदमी वहां तक आज कभी गया नहीं है उसका वैष्णो देवी में विश्वास ना हो या आस्था ना हो नहीं ये तो कोई राइट तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है मैं नहीं तो। गया कभी वैष्णो देवी

खर्चा है आपका तो और ढाई तीन लाख में आपको मन की शांति मिलेगी तो <laughs> वो एट द एंड आप पैसा खर्च ही कर रहे हो ठीक है पर आ, ऐसी दुनिया है दोस्तों फ्री कुछ नहीं है इस दुनिया में बहुत जगह तो पानी भी फ्री नहीं है ये आपका पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है दरअसल आप जब ऐसी छोटे छोटे इंसिडेंट जैसे मैंने ये बताए और जब यात्रा हम करने को 65 हमने काठमांडू से शुरू किया और 45 लोग जो हैं बेस बेस्कैम तक पहुंचे और फिर 11 ही कर पाए सिर्फ 11 ही हम पूरी कर पाए और अच्छा उसमें भी मजेदार बात ये हुई कि जब हम ग्यारह वापस आ गए ना हाँ? तो आके लोग फिर हमारे पैर छूने लगे हैं हाँ कौन जो नहीं जा पाए थे जो जो वापस आ गए अच्छा हवाला हवाला है? कहते हैं अच्छा, ये हमारे पिताजी कहते हैं एक छोटी सी बात बोलूंगा कि हमारे देश में हवाला आज से नहीं आदिकाल से है पापा, हम पूछे कैसे कहते सुना है ना अच्छा वैष्णो देवी जा रहे हो ये मेरे सौ रुपए हाँ। पचास चढ़ा देना हमने पूरा ट्रैक कर लिया हमने कोरा पूरा किया तो हम तो परिक्रमा करा है कैलाश पर्वत की और वो लोग नहीं कर पाए क्योंकि उनको लगा मौसम बहुत खराब है तो हम नहीं जा सकते और जब हम वापस गए तो बोले अरे आप होके आ गए अरे हमें भी बता देते

तो मैंने कहा फिर यात्रा पूरी होगी मैं हूँ मेरे साथ और लोग हैं है? जो जाना चाहते हैं है? और हमें आगे जाना है अब आप अरेंजमेंट करो ये तो असली मसाला था <laughs> ये बता रहे बात तक आ गई <laughs> सो मच सो कि उसने बोला कि अच्छा ठीक है मैं तीन लड़के दे रहा हूँ वो लीड होता है और एक टेल होता है जैसा राइडिंग में भी होता है, है? तो ट्रैक में भी वो ऐसा ही करते हैं अब जहाँ मेरे साथ जो जिन लोगों के साथ मैं था उस पूरे उसमें जिनसे मेरी हाँ, रेगुलर बातचीत हो रही थी जिनके साथ खाना पीना हो रहा था हाँ, तो मेरा जो कोर ग्रुप था उसमें कुछ विद्वान भी थे हाँ, ग्वालियर के एक ब्रजभूषण शर्मा पंडित जी हैं वो प्रॉपर आश्रम चलाते हैं जॉब हाँ, भी करते हैं उस तरीके अच्छा। के पहुँचे हुए और फिर एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर ओके हाँ वो थे एक एस में थे वो थे तो वो ये हम लोग थे जिन्होंने करनी ही थी एंड एक वो कैनेडियन कोरियन भी किया Finally. वो पूरा रास्ता भाई वो ऐसा था कि मैंने तो अपने तो वैसे नॉर्मली मिलती नहीं तो उसकी जस्ट पहले दिन जब नाइला में थोड़ी सी होनी शुरू हुई तो मैंने उसको वो गोली दी तो उसको अच्छा लगा तो वो दिन में पूरे दिन में ना सिर्फ ऐसे जॉम्बी बन के घूमता रहता था कुछ खाना हल्का सा खाया कोई बात नहीं कुछ नहीं बस मेरे को ऐसे सुमन प्लीज गिव मी दैट पिल बस उतनी मेरी और उसकी पूरे दिन में पूरे जब यात्रा हुई है तो हाँ। उसमें इतनी बात होती थी क्योंकि वो गोली खाता था था हाँ। था थोड़ा बेटर फील करता था, सो जाता सुबह उठता था हल्का हाँ। सा कुछ खाया और जाके गाड़ी में बैठ जाता बस ऐसे ही कोई बातचीत नहीं को कुछ नहीं और मुझे था कि यार इसकी तबियत कहीं ज्यादा खराब ना हो जाए लेकिन दाद देनी पड़ेगी उस बंदे की विल पावर की उसने अकेले ने किया गुड गुड फाइनली यार यार उस बंदे का बनता था यार। तीसरी था तीसरी बार ट्राई उसका वो था। तो अच्छा जब ये हुआ कि आ, इन, इन इन, सब का था कि यार हमें करना है हमें आगे जाना है उन्होंने लगा दिया और अब हमने चलना शुरू किया वो जो डोलना से पहले जो पहली चढ़ाई आई तो तभी मैं धीरे धीरे मैं सबसे लास्ट में था और मेरे साथ वो टेल वाला बंदा चल रहा है मेरे को पीछे कंधे पे हाथ उड़ा चलो चलो मैं देखा नूरी आ गया तो मैंने कहा भाई तू यहाँ पर कैसे तो बोला यात्रा पूरी करानी है अच्छा। मेरा काम है यात्रा पूरी कराना अच्छा। वो इतना ऐसा तो, चार्ज होकर हो गया हाँ मैंने कहा बाकी मतलब अच्छा। जिनको जाना था वापस चले गए वो अच्छा। तो उनके साथ उसने और टीम भेजी जो उनको वापस बेस कैंप तक लेके गए और हमारे साथ वो आया और हम जो ग्यारह थे उनको उसने एक्चुअली पूरा फिर वो कराया सिबल बनता हूँ ये तो है yes. बाकी एक काम ही हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे जब हम बैठे हुए तो आप कुछ वो यम दुवार क्या हाँ, ऐसा क्या वो कुछ हम पढ़ रहे थे पीछे कट गई बात हाँ, वो ऐसा है की जब आपका ट्रैक शुरू होता है बेस कैंप से ऊपर थोड़ा सा जाके जहाँ से ट्रैक एक्चुअली स्टार्ट होता है ना कैलाश पर्वत एकदम आपके राइट साइड में और आप कोरा शुरू करते हो तो वहाँ एक स्पॉट है एक जगह बनाई हुई है उसको यम द्वार बोलते हैं राइट और वो हर मतलब बुद्धिज्म में भी और तिब्बती लोकल भी और हिंदुओं में भी ये ये माना जाता है कि कोई नहीं कोई आने दो हां ठीक है आजा बैठो आजा तो आ, वो आ, मा, माना जाता है कि आ, यहाँ पर ये यम का द्वार है यहाँ से आप शुरू कर रहे हो अपनी यात्रा आ, तो हाथ जोड़ के आप उनको बोलो कि यमराज जी ध्यान रखना दूर से ही कृपा बनाए रखना पास मत बुलाना सो तो बेसिकली एक तरीके का वो है कि क्योंकि परमिशन भैया हम एक है परमिशन एक आप थैंक थैंक यू करते हो और एक आप अपने ऊपर अपनी नजर बनाए रखने का वो रिक्वेस्ट करते हो माथा टेकते हो बेसिकली ऊपर वाले को क्योंकि ये आज से तो नहीं हो रही कैलाश यात्रा तो कब से हो रही है करते आ रहे हैं लोग जब से शायद इंडिया और चाइना भी नहीं बने थे तब से वो हो रही है exactly. लेकिन वो ऐसा माना जाता था कि वहाँ अगर कोई गया है तो शायद वापस ना भी आए तो so, दोस्तों दैट वॉज अमेजिंग मतलब मजा आ गया मेरे को सही बताओ मेरे को बस लास्ट मानसरोवर तो पता था पर उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था एक्चुअली में बहुत कुछ पता चला मुश्किल कितना है और क्या क्या दिक्कतें हैं क्या खर्चा है कैसे कर सकते हैं कहाँ से कर सकते हैं सारी इनसाइट इन्होंने सुमन भाई ने हमें बताई एंड टू बी ऑनेस्ट मैं भी पम्पड अप हो गया हूँ बस पता नहीं घिरवान तो नहीं पकड़ पाऊँगा <laughs> बस ये नहीं कर पाऊँगा मैं पर एनी uh, वे anyway, सुमन भाई अमेजिंग uh, मजा आ गया आई थिंक व्यूअर्स को भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली कहानियाँ पता चली देखो एट द एंड एक तो था कि हमने बताया कि कैसे कर सकते हो पर आई थिंक जो उसके पीछे की स्टोरीज हैं और एक लड़का समझ लो जिसको ज़्यादा कुछ नहीं पता बहुत से ऐसे लड़के होंगे जिनको भी पता नहीं क्या करना है एंड हाउ थिंग्स चेंज हाउ एवरीथिंग जो आप सोचे भी नहीं होते पर तो लाइफ में कितना कुछ बदल जाता है एक छोटे छोटे डिसीजन से एंड दैट इज़ आई थिंक वन स्टोरी ऑफ सुमंत इसलिए इसको एक एक चीज़ याद है यार तेरह साल पुरानी पास छोटा सा मीटर ये वो <laughs> थोड़े फर्रे इतने तेरह साल पुराने फर्रे भी बचा के रखे सोचो उस एज में जहाँ पे हम कुछ ही नहीं बचता था वहाँ वो चीज़ भी अगर बची हुई है सो इमेजिन चेंजेज इन एवरी थिंग सो सुमन भाई यहाँ पे इसको खत्म करते हैं और आई थिंक बहुत सारी और भी स्टोरीज हैं जहाँ सुमन भाई आपको फिर से दिखेंगे एंड सुमन भाई आप व्यूअर्स को में कुछ बोलना चाहोगे uh, मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर कोई प्लान कर रहा है वहाँ जाने का तो सबसे पहले तो अपने लिए करना किसी और के लिए नहीं किसी और से मेरा मतलब है कि कहीं दिखाना है मुझे या सोशल मीडिया पे डालना है या, या यूट्यूब पे आ, डालूंगा मैं आ, या सबसे पहले उस चीज को अपने लिए करो और जब आप अपने लिए मान के करोगे तो आगे के रास्ते अपने आप ही खुलते चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा आ, कि कब yes. कैसे चीजें होंगी क्योंकि जब वन यू मीट योर जब आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो ना तो फिर कोई भी चीजें लाइफ में आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती है कि यार ये प्रॉब्लम आ गई है वो प्रॉब्लम बिकॉज यू नो योर सो दोस्तों समझ गए अपने लिए करना है किसी और के लिए नहीं ठीक है दैट इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थींक बाकी थैंक यू सो मच सुमन भाई जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच और मिलते रहेंगे जल्दी जल्दी बहुत सारी स्टोरीज हैं मेरे को पता है ठीक है सो लव यू दोस्तों टेक केयर बाय बाय चमकते रहो मुस्कराते रहो <laughs>